मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र नगर पंचायत अगवानपुर के मोहल्ला ठापुर में भूरे शाहमिया की दरगाह के निकट कब्रिस्तान की बाउंड्री निर्माण कार्य को लेकर विवाद हो गया, जिस पर विपक्ष ने 100 नंबर पुलिस को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्रिस्तान में चल रहे बाउंड्री निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया। आपको बता दें कि नगर पंचायत अगवानपुर में भूरे शाहमिया की दरगाह के निकट कब्रिस्तान की बाउंड्री निर्माण कब्रिस्तान की कमेटी द्वारा की जा रही थी, जिस पर मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने आकर अपना रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य में बाधा डाल दी और 100 नंबर पुलिस को बुलाकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया, जिस पर कब्रिस्तान पक्ष के मोहम्मद आशिफ आदि लोगों से बात करने पर मीडिया को बताया कि यह हमारा कब्रिस्तान है, जो कि कब्रिस्तान वाले लोगों ने कब्रिस्तान को बंदोबस्त रखने के लिए चंदा इकट्ठा किया और कब्रिस्तान की बाउंड्री का निर्माण शुरू कराया, जिस पर कुछ लोगों ने यहां अपना रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को बुलाकर बाउंड्री निर्माण कार्य को रुकवा दिया, जबकि कब्रिस्तान की आराजी में किसी का कोई रास्ता नहीं है। यह लोग हठधर्मी से कब्रिस्तान की बाउंड्री निर्माण कार्य को रुकवा कर अपना रास्ता निकालना चाहते हैं, जबकि दूसरे पक्ष सलीम से बात करने पर मीडिया को बताया कि यहां पर हमारा जंगल जाने का वर्षों पुराना रास्ता है, जो कब्रिस्तान के लोगों ने बाउंड्री कर बंद कर दिया। अब हमारा जंगल को जाने का कोई रास्ता नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें जंगल को जाने के लिए रास्ता दिया जाए। सिटी जर्नल से बात करते हुए मोहम्मद आशिफ ने जानकारी देते हुए बताया, कब्रिस्तान की बाउंड्री को लेकर तो कोई ऐसा मामला नहीं था, बस ये था कि वहाँ जो है जानवर उनबर जाते थे और वाहन वाहन खड़े हो जाते थे कब्रिस्तान में, जिसे लेकर जो है लोगों में ये था कि यार ये बंद होना चाहिए, ये जानवर जाते हैं। तो उन्होंने कुछ लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे इकट्ठे करे, चंदा अंदा इकट्ठा करा और जो बाउंड्री बाहर से बाउंड्री का काम स्टार्ट कर दिया, जिससे जानवर उनबर ना जाए। कब्रिस्तान की तरफ से बाउंड्री हो रही है? हाँ, कब्रिस्तान की तरफ से हो रही है। अच्छा, इस पर मोहल्ले के कुछ लोगों का यह आरोप है कि यहाँ पे हमारा रास्ता था, रास्ता बंद कर दिया गया। हाँ, उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमारा रास्ता है। तो कल जो है लेखपाल साहब आए थे, जब लेखपाल साहब को बुलवाया गया, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर कोई रास्ता नहीं, ये कब्रिस्तान की आराजी है, 1375 नंबर जो है कब्रिस्तान का है, तो इसमें कोई रास्ता वास्ता उनका लोगों का नहीं है। अच्छा, सारी आराजी ग्राम समाज है या कब्रिस्तान की है? हाँ, ग्राम समाज है, कब्रिस्तान दर्ज है। कब्रिस्तान दर्ज है जी। तो ये बाउंड्री का काम किसने रुकवाया? बाउंड्री का काम वही लोग थे जो उसमें को रास्ता बता रहे थे, इसमें रास्ता है। फिर उन्होंने 112 नंबर पुलिस मिला ली, उन्होंने कहा कि जी आप ऐसे काम नहीं कर सकते, तो काम रुक गया। ये लोग तो कह रहे हैं बहुत पुराना रास्ता हमारा इसमें। नहीं, वो तो नक्शा बता देगा, वो लेखपाल साहब बताते कि अगर रास्ता होता तो। अब ऐसा खाली पड़ा है पूरा कब्रिस्तान का, कहीं भी कोई सा भी एरिया है तो आप कहीं भी निकल सकते हो, लेकिन उसमें कोई रास्ता। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद सलीम ने अपनी बात रखते हुए कहा, बाकी इसमें जो विवाद आ रहा है वो विवाद आ रहा है ये कि क्योंकि जो एक रास्ता है सैकड़ों साल पुराना, वो रास्ता आज तक चला आ रहा है, भले वो नक्शे में है नहीं, क्योंकि ये एरिया लगभग 150-200 बीघे का एरिया ऐसा है, जब सन 1965 में 66 में बंदोबस्त हुआ था उस पीरियड में चकबंदी नहीं हुई पाई इसमें, तो लोगों के चक नहीं कट पाए तो रास्ते नहीं निकल पाए। अब ये चक लोगों के हैं मगर उनके रास्ते नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है ये जो ग्राम समाज प्रॉपर्टी है पहले, अब 2-4 साल में मान लो उसमें जो है वो चढ़ा दिए गए ना, वो क्या बोलें, कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया, तो उसमें जो कुछ जगह है वो कब्रिस्तान के मौके पर मौजूद है और जो कुछ जगह ना है वो भी मौके पर मौजूद है, मगर कुछ में जो लोग निकल रहे थे पहले से वो रास्ता आज तक चल रहा है, मगर कब्रिस्तान वाले सब लोग मिलकर रातों को निर्वाण हो रहा है, दिन में निर्वाण हो रहा है, किसी का खौफ नहीं, किसी प्रशासन का खौफ नहीं, और ऊपर से ये और कहा जा रहा था हमसे कि जब हम यहाँ पे आए कि मन के साहब निर्वाण क्यों कर रहा हो, इतना जगह छोड़ दो रास्ते की, बाकी तुम पूरा निर्वाण करो, पूरी बाउंड्री का निर्वाण करो, मगर रास्ते की जगह छोड़ के आप बाकी पूरा निर्वाण कर लो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि ये सभी का मामला है। ये बाउंड्री कब्रिस्तान के लोगों ने करी? ये कब्रिस्तान के हाँ लोगों ने करी। तो इस पर विवाद रास्ता किसका हुआ? रास्ता जो है आम रास्ता है वो सभी लोगों का, क्योंकि ये जो है नदी तक जा रहा है और सभी के चक हैं इसमें, लगभग 150-200 चक हैं,